जय हिंद, राम राम। मैं रोशन जिला सुल्तानपुर से पहचानूं मैं किस फील्ड पर हूँ। माता जी के मंदिर के पास वाले फील्ड पर। ये देखिए खेत, आज है 7 अगस्त 2024। ये वीडियो जिस दिन मैं बना रहा हूँ, शाम के बज रहे हैं 5:30, 5:30, और खेत कुछ इस तरीके से सामने। और अभी प्लांटेशन नहीं हुआ है, और प्लांटेशन अभी 2 से 3 दिन के अंदर में इसमें प्लांटेशन हो जाएगा। 10 से इस खेत में और धान के पास वाले खेत में, 3000 प्लांटेशन वाले फील्ड में अभी प्लांटेशन समय लगेगा। ये देखिए पूरा फील्ड पूरा इस तरीके से है। अभी साइड में आप लोगों ने देखा था अगले वीडियो में, यहाँ पर गड्ढा की खुदाई किए थे और खाद डाले थे, और लाइन बाय लाइन ऐसे बना हुआ है। गर्मी के चलते बारिश ना होने के कारण इस बार प्लांटेशन में थोड़ा देरी किए हैं, जैसा कि हम जुलाई लास्ट में प्लांटेशन करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और वृक्ष महोदय, मौसम कुछ देख सकते हैं इस कदर है, मौसम ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश होगी, बारिश होगी ज़रूर, और बारिश होगी। और शाम का वक्त है, खेत अभी देख सकते हैं इसमें थोड़ा, अगर पास से देखा दिखाने का प्रयास करूं, थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करूं, देखो बीच में केचुए, किसान मित्र केचुए पूरा अपना इस बेड पर, अगर आप देखेंगे तो बेड की जो फर्टिलाइजर मतलब गोबर का कंपोस्ट था, उसको बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद बनाकर रखे हैं। अभी इसमें चलना मुश्किल है, फिर भी चलते हैं उस खेत में देखते हैं। चलना मुश्किल है इसमें, फिर भी एक मिनट, ये देखिए इस खेत की कंडीशन। अगले वीडियो में जो आपने कटिंग देखा था, ऐसे बंचेस जो थे उनका कटिंग हुआ संपर्क टूटने के कारण। कई सारे ऐसे बंचेस थे, इनका कटिंग कराया, लगभग 14 से 15 कुंटल, 19.75 रुपये प्रति केजी। और अभी भी अगर ओवरऑल खेत की बात करूं तो अभी खेत ऐसा है, कई सारे पत्तियां लटक रही हैं, इनको साफ किया जाएगा। और हाँ, जो किसान भाई अपने खेत पर पौधे बंच पर तिल्ट नामक फंगी स्प्रे नहीं किया, तिल्ट 10 ग्राम पर टंकी स्प्रे कर दें। अभी तो मैं स्प्रे नहीं किया हूँ, कभी हम जल्दबाजी थोड़ा किसी काम में उसे जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये देखिए एक छोटा सा पौधा रह गया था बीच में, बाकी 100 पौधे सेट थे, 100 पौधे और हैं सामने। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।